हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारी राशि है कुंभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनि, शनिदेव। और आज जो हमारा जो टॉपिक है, जो गुरु का वृषभ राशि में विराजमान होना और पूरे एक साल तक के लिए विराजमान होना, तो गुरु से हम कैसे फ़ायदा लेंगे, कैसे अपने मनोरथों की पूर्ति करेंगे और क्या क्या हमें देने जा रहे हैं गुरुदेव, और क्या क्या हमें गुरु बृहस्पति से फ़ायदा होने जा रहा है, तो वही हम बता रहे हैं। पूरे आपके कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, तो इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें, हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुंभ राशि आपके जिसके स्वामी होते हैं शनि, ठीक है। आपके जो वृषभ राशि में जो गुरु विराजमान हुए हैं, आपकी वो राशि कहाँ पर स्थापित है, वो आपकी राशि आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके गोचर के हिसाब से आपके चौथे भाव पर है, ठीक है, जहाँ पर इनका विराजमान हुए हैं। और कब से हुए हैं, 1 मई से हो गए हैं और 14 मई 2025 तक ये यहाँ पर विराजमान रहेंगे। तो इसका मतलब हमें पूरा 1 वर्ष का जो समय मिला है। गुरु क्या होता है, गुरु गुरु से हम धन को भी देखते हैं, गुरु से हम वाणी को भी देखते हैं, गुरु से संतान को भी देखते हैं, व्यापार को भी देख लेते हैं, गुरु से काम को भी देख लेते हैं, मैरिज लाइफ को भी देख लेते हैं। गुरु से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। जिसका गुरु सही है उसका ये मान लो सब कुछ सही है, जिस पर गुरु का हाथ है वो समझ लो आपके जीवन में तरक्की करता है, ठीक है। इनका यहाँ पर होना, ये भाव किसका है, ये आपका मान का है, सम्मान का है, भौतिक सुखों का है, इन्वेस्टमेंट का है, गाड़ी का है, घर का है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस भाव से हम देखते हैं। और इनका यह साक्षात विराजमान होना, इसका मतलब ये सब चीज़ों की हमारी कहीं ना कहीं पूर्ति होती नज़र आती है। हमें लगता है कि हम इस 1 साल में जो हमारी कुछ अधूरी इच्छाएं हैं जिन्हें हम पूरा नहीं कर पा रहे थे, जैसे हम गाड़ी नहीं ले पा रहे थे, तो हो सकता है इस 1 वर्ष में आप गाड़ी की अपनी कहीं ना कहीं अपनी पूर्ति कर लेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज़ जैसे मकान है या कोई भी इन्वेस्टमेंट है, ज़मीन का इन्वेस्टमेंट है या कोई भौतिक सुख है आपके, जितने भी जिससे आपके परिवार में सुखों का माहौल रहता है, उन सब चीज़ों की कहीं ना कहीं पूर्ति होती हमको नज़र आती है। और 100% ऐसा है कि गुरु यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट भी कराएंगे, आपका कहीं ना कहीं काम भी चलाएंगे और यहाँ से आपके मनोरथों की पूर्ति भी कराएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गुरु का, ठीक है। गुरु को 3 दृष्टि दी गई हैं, ठीक है। गुरु की जो 3 दृष्टि हैं उसमें जो सबसे पहली दृष्टि है, जो 5वीं दृष्टि उनकी पड़ रही है, उनकी सबसे पहली 5वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमारी जो कुछ अधूरी इच्छाएं होती हैं, हमारा जो तनाव होता है, जो 99% पर हमारे काम आके अटक जाते हैं, ये भाव आपका मृत्यु का भी होता है, बुढ़ापे का भी होता है, आयु का भी होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें यहाँ से देखने को मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनका आना, यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ना, तो इसका मतलब क्या, 6 नंबर की राशि यहाँ पर विराजमान है, कन्या राशि, ठीक है। नो सॉरी, यहाँ पर आपकी राशि विराजमान है आपकी क्या कहते हैं, 6, हाँ ठीक है, कन्या राशि विराजमान है। तो कन्या राशि विराजमान है और जिसके स्वामी होते हैं बुध, तो बुध का मतलब क्या हो गया, ये मित्र हो गए आपके इनके शनि के कहीं ना कहीं, और इनके गुरु के भी मित्र हो गए, तो क्या हुआ, यहाँ मित्र अवस्था हो गई। तो मित्र अवस्था का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पूर्ण रूप से जो फायदा होगा वह आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं आपके शरीर में फ़ायदा होगा, आपकी जो कुछ इच्छाएँ उनका फ़ायदा होगा, और हो सकता है जो आपके कुछ काम है, जो तनाव चला आ रहा था, वो तनाव आपका यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये फायदा आपको हो सकता है, ठीक है। इनकी अगली दृष्टि के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी अगली दृष्टि जो पड़ रही है आपके दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव यानी आपका माने आपका किसका हो गया, आपका यश का हो गया, रोजगार का हो गया, कर्म क्षेत्र हो गया आपका। यहाँ पर इनका दृष्टि पड़ना यानी काम आपका कर्म क्षेत्र पर आपका मेहनत करेंगे और यश भी आपको प्राप्त होगा और आपका रोजगार भी यहाँ कहीं ना कहीं गुरु देने का कार्य करेंगे। रोजगार से आप 100% आपको रोजगार मिलेगा, तो यहाँ कहीं ना कहीं रोजगार मिलती प्राप्ति होती है। और यहाँ पर जो राशि आपकी विराजमान है, यहाँ पर राशि विराजमान आपकी वृश्चिक है। वृश्चिक राशि का विराजमान होने का मतलब जिसके स्वामी हो गए मंगल, तो मंगल का यहाँ विराजमान होना, देव ग्रह हो गए और ये भी देव ग्रह हो गए, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ आपको नुकसान कहीं नहीं है, यहाँ आपके पूर्ण रूप से इनका फायदा होगा। और वैसे भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु का हाथ मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके रोजगार क्षेत्र में और कर्म क्षेत्र में आप कहीं ना कहीं नई तरक्कियों का और लिखेंगे अपना, ठीक है। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है, यहाँ आपको सिर्फ फायदा ही फायदा होना है, ठीक है।
चलिए अगली दृष्टि देख लेते हैं। अगली दृष्टि जो उनकी पड़ रही है, अगली दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव पे। 12वें भाव पे दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हो गया ये हम आपको बता देते हैं, और इस भाव से क्या अभिप्राय निकल के आता है, इससे कौन कौन सी चीज़ें जो हम देखते हैं। ये भाव हमारा खर्चे का होता है, व्यय का होता है, आपका विदेश का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है, और आपका कोर्ट और कचहरी का भी होता है। यहाँ पर इनका दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं खर्चा जो होगा, खर्चा वो इसलिए भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो आपको कुछ छूट दे जाए। जैसे अभी हमने आपसे बताया था कि यहाँ पर उनका ये भाव वैसे अच्छा नहीं होता है, लेकिन जब गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो हम पैसा खर्च करेंगे, खर्चा करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक खर्चा आपका हॉस्पिटल में भी होता है, एक खर्चा आपका कोर्ट में भी होता है। एक खर्चा हॉस्पिटल में आपका बीमारी के लिए होता है, एक खर्चा कोर्ट में जो आपका सॉरी क्या कहते हैं आपका अस्पताल में होता है वो बच्चे के लिए भी हो जाता है। आपने देखा अभी हमने जो बताया आपको, इस वर्ष जो एक काम और होने जा रहा है आपके साथ, इस वर्ष आपको जो लोग संतान से वंचित हैं कहीं ना कहीं उन्हें संतान की प्राप्ति होती दिख रही है। जो नवविवाहित लोग हैं या कुछ जो हमारे वैसे लोग हैं, नवदंपत्ति हो गए या वैसे लोग हो गए जिनके संतान की कहीं ना कहीं पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो इस वर्ष उनकी कहीं ना कहीं ये इच्छा पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि पूर्ण रूप से इन्हें जो समय मिल रहा है पूरा एक साल का मिल रहा है, और इस राशि के जातक के हिसाब से भी जहाँ उनकी दृष्टि पड़ रही है ये व्यय का खर्चा है। तो क्या होगा, व्यय में क्या हो जाता है, जब खर्चा हुआ तो आपका हो सका अच्छाई में खर्चा हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ आपको कोर्ट कचहरी से भी कहीं ना कहीं गुरु का हाथ है, तो कोर्ट कचहरी से भी कहीं ना कहीं मुक्ति प्राप्त होती दिखाई दे रही है। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि आपके राशि के स्वामी जो शनि हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको पूर्ण रूप से एक फ़ायदा देते जा रहे हैं। तो जिन भाइयों के बहनों के जो भी लोग हैं जिनका कहीं कोर्ट कचहरी में कहीं केस चल रहा है, तो इस वर्ष उन्हें ये भी छूट कहीं ना कहीं मिलेगी और इसका भी वो फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्वयं जो राशि बैठी है आपकी, राशि भी आपकी मकर राशि बैठी है और स्वयं शनि देव यहाँ पर विराजमान है। तो यहाँ पर विराजमान होने का क्या अभिप्राय हुआ, यहाँ क्या ज्ञात हमें होता है, इससे हमें ये ज्ञात होता है कि कहीं ना कहीं हमारे ये सब चीज़ें भी हमारी पूर्ति होती नज़र आती हैं, ठीक है। ये हो गई इनकी पूर्ण रूप से हमारी सारी दृष्टियाँ। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से भाव में हमें क्या फ़ायदा होगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके 11वें भाव की। 11वें भाव में इनकी स्वयं की राशि विराजमान है, जो राशि है आपकी 9 नंबर की राशि यानी धनु, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। तो यहाँ पर गुरु स्वयं साक्षात हो गए, यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा होगा, ये भाव किसका है, ये हमारा लाभ का है, हमारी इच्छाओं का है और हमारा आय का है। और लाभ धन से हम गुरु को देखते ही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, लाभ हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, हमारी इच्छाओं की 100% पूर्ति होगी और कहीं ना कहीं हमें आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। तो ये तो हम मान ही सकते हैं कि गुरु हमें धन से कहीं भी परेशान नहीं होने देंगे। और दूसरी बात एक और हम आपको बता देते हैं, जो आपका दूसरा भाव है, दूसरे भाव में भी स्वयं इनकी राशि विराजमान है। जो भाव ही आपका किसका होता है, वो भाव ही आपका धन का होता है और कुटुंब का होता है। वहाँ पर मीन राशि विराजमान है, जिसके स्वामी गुरु होते हैं। तो यानी जो भी हमने आपको बताया शुरू में कि धन की इस वर्ष आपको कोई चिंता नहीं होनी है, धन पूर्ण रूप से बरसेगा क्योंकि धन के स्वामी स्वयं यहाँ पर विराजमान है। और वैसे भी आपकी राशि में एक साल के लिए विराजमान हो चुके हैं वृषभ राशि में, तो क्या होगा, धनों की कहीं ना कहीं हमें पूर्ति नहीं मिले, मतलब पूर्ति मतलब होनी होनी है, कहीं दिक्कत नहीं होनी है। तो धन की हमें दिक्कत नहीं है, हमने देख लिया लाभ में भी हमें मिल रहा है, इच्छा भी हमारी पूर्ति हो रही है, आय भी हमें प्राप्त हो रही है, यश भी हमें प्राप्त हो रहा है, कर्म क्षेत्र में भी हमें मिल रहा है, रोजगार भी हमें मिल रहा है, तो इस हिसाब से हमें कहीं दिक्कत होती नहीं नज़र आती हैं। बात कर लेते हैं संतान पक्ष की। संतान पक्ष में जो राशि विराजमान है वो आपकी मिथुन राशि विराजमान है। मिथुन राशि का विराजमान होने का अर्थ क्या हो गया, जिसके स्वामी बुध होते हैं, बुध का विराजमान होना यानी इनका मित्र अवस्था का मतलब है कि पूर्ण रूप से फायदा होना। तो जितने भी हमारा संतान पक्ष है उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा होगा। और दूसरी बात, बुध आपके यहाँ पर विराजमान है, जो बुद्धि के देवता हैं, तो बच्चों की जो इस समय इस वर्ष जो बुद्धि रहेगी वो पूर्ण रूप से बढ़ेगी, पूर्ण रूप से उन्हें इस गुरु का भी हाथ मिल रहा है और बुध का भी हाथ मिल रहा है। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं बच्चे इस वर्ष जो भी एग्ज़ाम वगैरह देंगे, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की, वो बुध देवता और आपके गुरु देवता कहीं ना कहीं उन पर अपना पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आशीर्वाद प्रदान करने का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं वे अपने मनोरथों की पूर्ति करेंगे। और इस वर्ष कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उनके बच्चों का जो अगर रिजल्ट है, पूर्ण रूप से हम नहीं मानते किसी बच्चे का रिजल्ट खराब आना चाहिए,
क्योंकि यहाँ विराजमान कौन है, विराजमान बुध देवता है। तो बुध देवता का विराजमान होने का मतलब जो ग्रहों के राजा, आपके ग्रहों के आपके राजकुमार हो गए, तो आप समझ सकते हैं वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपको साथ देंगे, हाथ देंगे और आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ बच्चों के लिए भी दिक्कत नहीं है। और अभी हमने जैसा बताया, इस वर्ष जो लोग अपना संतान की कामना कर रहे हैं, यहाँ बुध देवता भी आपको हाथ दे रहे हैं और गुरु देवता का भी हाथ मिल रहा है, तो संतान की पूर्ति होती दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं आपके छठे भाव की। छठा भाव जो आपका लोन का होता, ऋण का होता है, ठीक है, और रोग का होता है। तो यहाँ कौन सी राशि विराजमान है, यहाँ राशि विराजमान है कर्क, जिसके स्वामी होते हैं चंद्र देवता। चंद्र देवता का मतलब क्या हुआ, सिर्फ वैसे देव आपके यहाँ पर क्या है, ये भी आपके देवग्रह हैं और आपके ये भी देवग्रह हैं। बस थोड़ा सा दिक्कत क्या होगा, या मन थोड़ा सा अशांत रहेगा। मन अशांत क्यों रहेगा, क्योंकि चंद्र देवता यहाँ पर विराजमान है। बस हो सकता है तो एक काम आप हमारे कहने से कर लें कि अपना भोलेनाथ को जो आप जल तो अर्पण करते ही हैं, जल अर्पण करने के साथ दूध से अभिषेक कर लें। दूध से अभिषेक कर लेंगे तो चंद्र आपका कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सही हो जाएंगे। ये आप अगर कर सकते हैं, जब भी आप सोमवार के सोमवार अगर जाएं, सोमवार के सोमवार जाने पे आप कोशिश करें कि अपना भोलेनाथ के ऊपर दूध से भी आप रुद्र अभिषेक या जल अभिषेक जो करते हैं वो अपना कर लें पूरा, ठीक है ना, रुद्र अभिषेक कर लें अपना, ठीक है, उन्हें जल अर्पण दूध अर्पण कर दें। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपकी मैरिज लाइफ की। मैरिज लाइफ आपकी पूर्ण रूप से अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भगवान बैठे हैं और जहाँ सूर्य भगवान बैठते हैं वहाँ कहीं ना कहीं प्रकाश ही प्रकाश फैलाते हैं, प्रकाश फैलाने का काम करते हैं। और वैसे भी इस समय गुरु का हाथ आपको मिल रहा है। और ये भी एक बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है तो इस वर्ष उनकी शादी भी होती नज़र आती है। एक साल का जो वक्त आपको मिला है, इस वर्ष आप शादी को भी अपना कहीं ना कहीं आपके ये काम भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी ठीक है। और नया व्यापार भी आपका लगा दिखता है, क्योंकि सूर्य भगवान बैठे हैं, ठीक है, और नौकरी इसलिए लगती दिखती है जब ग्रहों के राजा स्वयं साक्षात यहाँ विराजमान है। तो आप समझ सकते हैं जो भी लड़का इस समय या लड़की जो भी हमारे इसमें जातक हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए कहीं ना कहीं फॉर्म भर रखे हैं, तो भैया अपना सूर्य भगवान को अर्घ देते चलें, सूर्य भगवान को अर्घ देते चलें, मनाते चलें, हमारी बात को सीरियस लें। इस वर्ष आप ये कंपटीशन 100% क्रैक कर लेंगे, जिस हिसाब से आपकी राशि का गोचर हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बात याद रखें आप। तो इसलिए नया व्यापार लगेगा, पार्टनरशिप में अच्छे होंगे, व्यापार में आपका अच्छी वृद्धि होगी और नया व्यापार आपका लगा दिखता है हमको, तो यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं है। धर्म क्षेत्र की बात कर लेते हैं। धर्म क्षेत्र में जो राशि विराजमान है वो राशि आपकी तुला राशि विराजमान है। इसका मतलब भाग्य आपका चमकता हुआ दिखाई देता है। जब शुक्र साक्षात यहाँ पर आके बैठ गए हैं तो क्या होगा, लग्जरियस के अपने आप ही शुक्राचार्य यहाँ पर बैठे हैं, तो आपका भोग विलासताओं में और आपके लग्जरियस में कहीं ना कहीं ये पूर्ति कराएंगे और अपना पूर्ण रूप से आप भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा। तो भाग्य का चमकना और धर्म क्षेत्र में वैसे भी इस समय गुरु का आना अपने आप में पूर्ण रूप से आपके मनोरथों की पूर्ति करता है। कुल मिला के राशि आपकी पूर्ण रूप से सही है। मैरिज लाइफ अपने बता दी आपको, संतान का भी बता दिया, धन में स्वयं आपका फाइनेंस में स्वयं की राशि बैठी है, मीन राशि विराजमान है। ठीक है, और जो विदेश जाने वाले बच्चे हैं वहाँ भी पूर्ण रूप से फायदा हो सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। और 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने का मतलब हो गया, जो लोग विदेशों में काम करना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते हैं या घूमने के पर्पज से भी जाना चाहते हैं, क्योंकि यात्राओं का भी कॉलम हो गया और यात्रा खर्चों का भी कॉलम हो गया, तो यहाँ भी आपको पूर्ति होती नज़र आती है। ठीक है, और गुरु की दृष्टि का पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाएं, गुरु के आगमन का, गुरु के विराजमान का जो फ़ायदा आप उठा सकते हैं वो पूर्ण रूप से उठाएं। और एक मंत्र जो हमने आपको बताया था फिर से हम बता देते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवाय नमः का पाठ अपना करते रहें। ये पाठ आपके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी होगा, मंगलकारी होगा। ठीक है, मंगल के रूप में भी हमने आपको बताया था कि अपना हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहें आप, और अपना शनि देव की भी कृपा अपने ऊपर रखें, और भोलेनाथ को जल चढ़ाने का और दूध चढ़ाने का अगर कार्य आप करते रहेंगे तो बल्ले ही बल्ले है। ये पूर्ण पैकेज आपका होता है, जिसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, ना कोई ज़्यादा महंगा उपाय है, फ्री का उपाय है। हिसाब कर लेंगे तो सनातन के हिसाब से भी अच्छा है, आपके हिसाब से भी अच्छा है, आपकी कुंडली के भी हिसाब से अच्छा है और आपके मनोरथों की पूर्ति के हिसाब से भी अच्छा है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके दिलों तक पहुँची होगी, आपके दिमाग तक पहुँची होगी। ठीक है, जैसा प्यार आज तक आप लोगों ने दिया है ऐसे ही देते रहे। नमस्कार।